इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूँ एक ऐसे मोहतरम साहिब से जिसके फिक्रो फन की रोशनी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों को पार करके बैरून ममालिक में भी दूर दूर तक फैल गई है। एक ऐसा हसास और बाशूर फनकार जो गजल की दोशीदाओं के पैरों में तरन्नुम की पायल बांध कर उन्हें जज्बात और एहसास की धुन पर रक्स कराने में माहिर है। गजल के खूबसूरत लहजे के शायर जनाब अज़्म साकरी, जिनका शुमार हमारे अहद के मोतबर शोरा में होता है, जिन्होंने गजल की शानदार रिवायतों का दामन थाम कर हमारी समाजी जिंदगी की बदलती हुई कदरों की तर्जुमानी पूरे अदबी अहतमाम के साथ की है। मैं नशार के साथ के चमकते लव सितारों से छीन लाए हैं, हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं, वो और होंगे जो खंजर छुपा के रखते थे, हम अपने साथ फटी आस्तीन लाए हैं। आप हजरत जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, आपके बयान में पहली मरतबा आए हैं लेकिन अलग ही शोहरत है आपका साहब। आप पहले भी आ चुके हैं, तब मैं भी आया होगा। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं ये कहा गया कि 20 साल के बाद आया हूँ, मुझे लग रहा है कि 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हूँ। बहुत कि कोई शायर हर बार आता है, कोई 20 साल बाद आता है। मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, आप हजरात सुन लें। लेकिन आप हजरात ने एक बात तो ज़रूर बताई कि जब अच्छा शेर या अच्छी शायरी सुनाई गई तब भी आपने बहुत गाती। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूँ और आप दो चार शेर अगर मेरे सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ शेर तहत में सुना दूँ, दो चार शेर। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया हूँ। चार बिस्तरे और सुने के सुबह तक कैसे गुजारी है ये अब पूछती है रात, टूटे हुए तारों का सबक पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जाती है तो कब पूछती है। तू अगर छोड़ के जाने पे तुला है तो जा, जान भी जिस्म से जा। मैं दोस्तों आपका मिजाज बना रहा था, तरन्नुम से कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, एक मतलब बतौर खास। बड़े हमारे ऋषि शर्मा हैं, खासतौर से नवाज साहब हैं, हमारे दोस्त इकबाल साहब हैं और पॉपुलर लेडी साहब हैं। ये दो तीन शेर सुनाता हूँ। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, बेच आए हैं खुद को सस्ते। यार ये क्या हो गया, मेरा मुझे शायरी बेकार हो जाती। बेच आए हैं खुद को सस्ते में, बेच आए हैं खुद को, बेच आए हैं खुद को सस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में, अब खड़े रो रहे हैं रस्ते में।
बेच आए हैं खुद को सस्ते में, इतने जहरीले हो गए हैं हम, इतने जहरीले हो गए हैं हम, सांप भी डर रहे हैं दस्ते हैं, सांप भी डर रहे हैं दस्ते हैं। दोस्तों मैं ये गजल और बिल्कुल ताजा कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। फरमाइशें तो बहुत हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ताजा सुनाऊँ। आप अपराध को यूट्यूब के हवाले से आप तक बहुत कलाम पहुँचता रहा है लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, मेरी शायरी थोड़ी सी क्लासिकल ज्यादा है, उसमें क्लासिक ज्यादा है, बयानिया लहजा मेरे यहाँ थोड़ा कम मिलता है, तो आपको थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल नहीं लगाएंगे तो मैं जैसा सुना रहा हूँ वैसे ही सुन लेंगे आप, मुझे इसी तरह से सुन लेंगे, सुनेगा एक गजल के दो चार निशान। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया जिल मिलाता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया जिल मिलाता रहा, आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा, आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा, सुबह तक दर्द की शाख पर पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा, वो किनारे पे बैठा हुआ। और दोस्तों एक शेर सुना रहा हूँ, अगर आप मुझे इस शेर को भी अगर बहुत खामोशी से सुनेंगे तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि वाकई मेरा शेर अच्छा नहीं है, और आप हजरात भी जाहिर सी बात है कि अखलाकन मुझे दाद दे रहे हैं। मैं ये खेल मिला जाता हूँ, वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता रहा, रात भर उसमें भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, रात भर उसमें भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी, सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता रहा, सारा दिन धूप में बैठ कर अपने कपड़े सुखाता रहा, सुबह तक दर्द जी क्या कह रहे हैं, इधर आओ इधर आओ, आप मुझसे कोई सवाल मत करो, जिन लोगों ने मुझे बुलाया उनसे सवाल करो।
मैं तो इसी तरह की शायरी सुनाता हूँ मेरे भाई। मैं इसी तरह की शायरी आप इंतहाई मैं अभी आपके कोई मेरा कोई जुमला ऐसा निकल जाए जो आपको तकलीफ पहुंचाए, आप शायरी के बारे में नहीं जानते और आप यहाँ बैठे हुए जहाँ शायरी सुनने वाले बैठे हैं, आपको शायरी के बारे में पता ही नहीं है शायरी क्या चीज है और आप शायद को सुनने आए जिस तरह की नहीं। का एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आप की इस कार गए शीशा गली का। तो आपको मालूम नहीं शायरी क्या चीज है, शायरी किस तरह सुनी जाती है, शायरी क्या मैं क्या बताऊं यार, किला बनेगी रोएंगे हम खुशी के लिए, अपना रोएंगे हम खुशी के लिए, अपना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। एक शेर नवाज साहब के लिए है, 50 साल हो गए उन्हें उर्दू शायरी करते हुए, आज इस मकाम पर हैं कि आखिरी शायर सदा मुशायरों की सदारत करते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए मैंने ये शेर कहा है, मुलाजा फरमाए, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोहतबर होना, कितना मुश्किल है मोहतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। अब एक शेर और सुन लो यार, इसी में याद आया, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, सुनिएगा दोस्तों, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, दो वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए। दोस्तों एक शेर सुने, जरा सा दिल लगा के सुनना पड़ेगा ये शेर आपको, तो दो घड़ी के लिए जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी
रही नमी के लिए ओस गिरती रही नमी के लिए। एक मतला एक दो शेर और सुना देता हूँ भाई, मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी कहता हूँ आपसे, लेकिन आपने भी इतनी बुरी बात कही थी कि सुनेगा भाई आप ही के लिए दो शेर ये। उससे मिलने की जस्तजू भी है, उससे मिलने की जस्तजू भी है, उससे मिलने की जस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। और दोस्तों ये शेर शायद आपको याद रह जाए, ये सुनिएगा, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, उससे मिलने की जस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। दोस्तों इसी लहजे में दो तीन शेर मैं और सुनाऊंगा आपको, और अरे एक बार तालियां बजा दें तो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इसी लहजे में मतला बराए मतला अगर आप मतले पे दाद दे देंगे तो बहुत, ना भी देंगे तो कोई बात नहीं। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। अब ये शेर सुनिएगा, ये साथ ले जाएगा सुनिएगा। आग ऐसी लगी बुझी मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी। नेताओं को गाली देना शायरी थोड़ी होती है। मैं आप लोगों से बर्खास्त कर रहा हूँ, जो लोग ये इस तरह के इशारों में या वैसे नेताओं को बुरा कहते हैं वो सुनना बंद कर दीजिए आप। और आप सच तो ये है वो मेरी थी नहीं, जैसे इस बार खुल के रोए हम,
खुल के रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई कभी हुई नहीं। और ये शेर सुनिएगा, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली, उम्र भर मिली नहीं। अब शेर सुनिएगा, मुंतजर कब से चांद बैठा है, मुंतजर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली, नहीं। दोस्तों ये दो दो शेर की फरमाइशें हैं, मुंतजर कब से चांद बैठा है, मुंतजर कब से चांद बैठा है, कोई खिड़की अभी खुली। दोस्तों ये दो चार शेर हैं, छोटे छोटे मिसरे हैं, जल्दी हो जाएंगे ये, और ये आप हजरात समाप्त फरमा लें। मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन YouTube के हवाले से लोग पहुँच जाते हैं किसी तरह, आज का जमाना तो उसी की फरमाइश है। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। और दोस्तों ये शेर सरधना में देखे जा रहा हूँ, शायद आपको याद रह जाए। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, अच्छे सुनिएगा। अंदर अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। और आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा, और ये सुनिएगा, सब लोगों तक पहुंचेगा।
उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए। बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, बड़ी सर्द है हवाएं, बड़ी सर्द है हवाएं, शबे गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। और दोस्तों ये गजल कोरोना के जमाने में कही है और ये शेर कहा था मैंने सुनी। वो दोस्तों वो दो तीन साल बड़े कयामत के, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, बड़ी सर्द है हवा। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है, मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। अब ये शेर सुने, है हजार जख्म दिल में, सुनिएगा, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। दोस्तों ये शेर इसमें एक और है, हमारे दोस्त इकबाल अशर साहब बैठे हैं, जब मैंने ये शेर कहा तो मुझसे कहने लगे, यार ये शेर किसी ऐसे शख्स की नजर कर दिया करो जिसकी शादी देर से हुई हो। तो मैंने कहा यार इसका ये भी मतलब, एक मतलब इन्होंने और निकाल दिया उसमें। धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे वो तो फूल। और दोस्तों एक मिनट आखिरी जो भाई ने कहा है बहुत ज्यादा वो सुनते हैं, लाखों सदमे ढेरों गम,
लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, सुनिएगा, एक मुद्दत से